हाय गाइज वेलकम बैक वेलकम टू पांडा ट्यूटोरियल इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस के बारे में एक्सिस इन डेटा फ्रेम देन हम बात करेंगे हाउ मीन एंड मैक्स फंक्शंस वर्क्स ऑन डेटा फ्रेम चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं चलिए फर्स्ट बात करते हैं एक्सिस के बारे में ये एक्चुअली एक प्रॉपर्टी है एक्सिस रेफर्स टू हाउ अ फंक्शन और एन ऑपरेशन इज अप्लाइड टू द डेटा फ्रेम और द सीरीज एक्सिस का यूज सीरीज में भी किया जाता है इसके बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ एक्सिस इज यूज इन डेटा फ्रेम देखिए डेटा फ्रेम टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है जस्ट लाइक टेबल जिसमें रोल्स एंड कॉलम्स होते हैं कोई भी ऑपरेशन हो फंक्शन हो वो परफॉर्म करने के लिए हमें यह स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो जो ऑपरेशन है वो कॉलम वाइज करना है या रो वाइज करना है ये स्पेसिफाई करने के लिए इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है देर आर टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी जीरो और वन सो एक्सिस इक्वल जीरो दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू इट रिप्रेजेंट्स ऑपरेशन अलॉन्ग रोज मीन्स जो भी ऑपरेशन होगा वो हर एक रो पे किया जाएगा इट इंडिकेट्स दैट द ऑपरेशन शुड बी अप्लाइड वर्टिकली मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ लेट्स कंसिडर आई हैव दिस डेटा फ्रेम जिसमें तीन रोज हैं लेट्स कंसिडर दिस इज द फर्स्ट रो ऑफ इंडेक्स जीरो इंडेक्स वन इंडेक्स टू देर आर थ्री रोज एंड थ्री कॉलम्स सो एल से दिस इज द कॉलम वन एल से जीरो वन एंड टू हियर एंड ऑपरेशन इज समेशन जब मैं एक्सिस इक्वल्स टू जीरो बोलूंगा इट मीन्स इट विल परफॉर्म ऑपरेशन अलॉन्ग रोज हर एक रो के लिए वो ऑपरेशन होगा लेट्स कंसिडर यहां पर वैल्यू ए थ्री यहां पर वैल्यू ए फोर यहां पर वैल्यू ए फाइव So, हर एक रो का वैल्यू कंसिडर किया जाएगा फॉर परफॉर्मिंग दैट ऑपरेशन सो जो भी सम होगा सभी वैल्यूज का होगा सो दिस इंडिकेट्स दैट द ऑपरेशन शुड बी अप्लाइड वर्टिकली सो ये जो ऑपरेशन है ये वर्टिकली होगा थ्री प्लस फोर प्लस फाइव द एडिशन विल बी ट्वेल्व सपोज आप एक्सिस की वैल्यू वन पास करते हैं इट रिप्रेजेंट ऑपरेशन अलॉन्ग कॉलम्स इट इंडिकेट्स दैट द ऑपरेशन शुड बी अप्लाइड हॉरिजोनटली लेट्स कंसिडर यहाँ पे वैल्यू है टू एंड यहाँ वैल्यू है वन so, जो भी ऑपरेशन होगा अगर आप एक्सिस वन पास करेंगे तब हॉरीजोंटली वैल्यूज को कंसिडर किया जाएगा ऑपरेशन अलॉन्ग कॉलम्स हर एक कॉलम का वैल्यू कंसिडर किया जाएगा फॉर दैट ऑपरेशन एक्सिस के एग्जाम्पल्स में आपको दिखाऊंगा विथ मीन एंड मैक्स फंक्शन सो दीज आर टू फंक्शन इन पांडास इसका यूज आप डेटा फ्रेम एज वेल एज सीरीज के ऊपर कर सकते हैं लेकिन अभी हम डेटा फ्रेम के बारे में बात कर रहे हैं सो विल यूज़ दिस टू फंक्शंस ऑन डेटा फ्रेम्स ओनली मेन फंक्शन दिस इज सिंटैक्स डेटा फ्रेम यहाँ पे डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट होगा आप रेफरेंस भी दे सकते हैं डेटा फ्रेम का नाम भी दे सकते हैं डॉट नोटेशन से मीन इस मेथड को एक्सेस करना है मेथड और फंक्शन यू कैन से एंड यू कैन पास दिज मेनी आर्गूमेंट्स

अगर आप इसे ट्रू सेट करेंगे तो सिर्फ न्यूमेरिक कॉलम्स के ऊपर ऑपरेशंस किया जाएगा मैं एग्जाम्पल में आपको दिखाऊंगा सो मीन फंक्शन रिटर्न द मिनिमम ऑफ द वैल्यूज ओवर द रिक्वेस्टेड एक्सिस अगर एक्सिस जीरो है वर्टिकली ऑपरेशन होगा एक्सिस की वैल्यू वन है तो हॉरिजॉन्टली ऑपरेशन होगा मैक्स सिमिलर सिंटैक्स मीन की जगह पर जस्ट मैक्स इट रिटर्न द मैक्सिमम ऑफ द वैल्यूज ओवर द रिक्वेस्टेड एक्सेस पांडास को इम्पोर्ट किया एज पी डी देन रीड अंडर्स को सी एस वी इस मेथड का यूज़ करके टाइटेनिक डैश डेटा सेट को रीड किया एंड असाइन किया टू द वेरिएबल डेटा देन डेटा को हमने प्रिंट किया है दिस इज अ डेटा फ्रेम कंटेनिंग रोज एंड कॉलम्स अब मैं मेन फंक्शन का यूज करना चाहता हूँ डेटा के ऊपर सो डेटा रिप्रेजेंट्स डेटा फ्रेम डेटा डॉट एंड जस्ट कॉल मीन फंक्शन सभी अर्गूमेंट्स डिफॉल्ट अर्गूमेंट्स हैं डिफॉल्ट वैल्यूज ही यूज होने देते हैं सो एक्सिस की वैल्यू होगी ज़ीरो जो भी ऑपरेशन होगा वो वर्टिकली होगा एन ए वैल्यू को स्कीप किया जाएगा एंड न्यूमेरिक ओनली की डिफॉल्ट वैल्यू होती है नन इट मीन्स सभी कॉलम्स को कंसिडर किया जाएगा इवन इफ इट हैज़ अ वैल्यू स्ट्रिंग सो सेक्स की वैल्यू देखिए मेल फीमेल दिस इज अ स्ट्रिंग वैल्यू रन करता हूँ इस सेल को शिफ्ट एंटर आई गॉट वन वार्निंग फ्यूचर में जाके ये टाइप एरर रेज करेगा बिकॉज न्यूमेरिक ओनली की वैल्यू नन है एंड इट इज़ डेप्रिकेटेड सो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड न्यूमेरिक ओनली की वैल्यू ट्रू रखिए बिकॉज मीन एंड मैक्स जो फंक्शंस है वो न्यूमेरिक कॉलम्स के ऊपर ही अप्लाई होते हैं सो आई एम गोइंग टू राइट हीयर न्यूमेरिक अंडर स्कोर ओनली इक्वल्स ट्रू एंड फिर से मैं रन करता हूँ वार्निंग हट गया एंड यू कैन सी दीज मेनी कॉलम्स सो हर एक कॉलम का मिनिमम वैल्यू मुझे मिल गया पैसेंजर आई डी मिनिमम आई डी इज वन पॉइंट जीरो जीरो सो इट इज वन बट रिटर्न में हमें फ्लोट में कन्वर्जन करके मिला सरवाइव मिनिमम वैल्यू इज जीरो एज मिनिमम एज इज जीरो पॉइंट फोर्टी टू एंड सो ऑन सो हर एक कॉलम का मिनिमम वैल्यू हमें मिल गया ये जो ऑपरेशन है पूरे कॉलम के ऊपर हुआ मीन्स हर एक रो को कंसिडर किया गया पैसेंजर आई डी एंड पैसेंजर आई डी की जितनी भी वैल्यूज है उनमें से मिनिमम वैल्यू हमें मिल गई अब मैं एक्सिस की वैल्यू वन पास कर देता हूँ बाय डिफॉल्ट जीरो होती है ये जो ऑपरेशन है अब हॉरिजॉन्टली होगा मिनिमम वैल्यू हॉरिजॉन्टली फाइंड की जाएगी बाई कंसिडरिंग एवरी कॉलम सो कुछ इस तरीके से मिनिमम वैल्यू फाइंड होगी लेट्स सी क्या मिलता है न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ही कंसिडर किया जाएगा सो जीरो रो में ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो इज द मिनिमम वैल्यू यू कैन सी ज़ीरो हियर प्रेजेंट यहाँ पर भी प्रेजेंट है यहाँ पर भी प्रेजेंट है दैट्स वाई वी गॉट जीरो सपोज मैं मीन की जगह पर मैक्स यूज़ करता हूँ मैक्सिमम वैल्यू ही रिटर्न करेगा सो ज़ीरो रो पे मीन्स फर्स्ट रो पे ट्वेंटी टू इज़ द मैक्सीम वैल्यू हियर इट इज़ सो इट इज़ द मैक्म वैल्यू जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो हॉरीजोंटली हो रहा है अगर मैं एक्सेस की वैल्यू ज़ीरो देता हूँ ऑपरेशन वर्टिकली होगा पैसेंजर आई डी में जो भी वैल्यू मैक्सीम है वो वैल्यू मुझे मिल गई विच इज़ एट नाइन्टी वन अब ये जो मैक्स और मेन फंक्शन है रिटर्न क्या करता है कौन सा टाइप रिटर्न करता है एक बार इसका टाइप चेक कर लेते हैं बाय पुटिंग इनसाइड द टाइप फंक्शन शिफ्ट एंटर एंड रिटर्न में मुझे मिल गया पांडास डॉट कोर डॉट सीरीज डॉट सीरीज सो रिटर्न में ये सीरीज डेटा स्ट्रक्चर देता है जिसके बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे लेकिन ये याद रखो कि मीन एंड मैक्स रिटर्न में सीरीज डेटा स्ट्रक्चर देते हैं सो दिस इज एक्चुअली अ सीरीज कुछ इस तरीके से दिखता है सीरीज़ पांडाज में ग्यूमेंट्स कीप यने उसकी डिफॉल्ट वैल्यू ही रहने देनी है उस केस में नल वैल्यूज को एंड यने वैल्यूज को कंसिडर नहीं किया जाएगा ऑपरेशन करते वक्त यहाँ पे एज देखिए मैक्सिमम एज है एटी सपोज मुझे सिर्फ मैक्सिमम एज फाइंड करना है मुझे हर एक कॉलम को कंसिडर नहीं करना है तो उस केस में आप ये सिंटैक्स यूज कर सकते हैं डेटा विच इज डेटा फ्रेम देन स्क्वेर ब्रैकेट्स में उस पर्टिकुलर कॉलम को एक्सेस करना है कुछ इस तरीके से एक्सेस किया जाता है जैसे हमने इंडेक्सिंग स्लाइसिंग देखा था पाइथन में सिमिलर वे से हम एक्सेस कर सकते हैं डिक्शनरी में कैसे एक्सेस किया जाता है जस्ट लाइक दैट सो डेटा डेटा फ्रेम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एज विच इज़ अ कॉलम नेम मैं शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूँ आई गॉट एज एज एन एरर क्योंकि मुझे ये कोड्स के अंदर स्पेसिफाई करना चाहिए एंड हियर यू गो रिटर्न में मुझे एक सीरीज़ मिल गया यू कैन सी एंड दिज आर वैल्यूज़ प्रेजेंट इन द एज अब मुझे इसमें से मैक्सिमम फाइंड करना है बाय यूजिंग दिस सीरीज डॉट नोटेशन का यूज़ करके जस्ट गिव द मैक्स फंक्शन एंड शिफ्ट एंटर रिटर्न में मुझे 80.0 मिल गया सो डेटा इज अ डेटा फ्रेम उसमें से एज कॉलम को एक्सेस करो एंड बाय यूजिंग दिस कॉलम और एक्चुअली दिस इज़ अ सीरीज़ डॉट नोटेशन से हमने मैक्स फंक्शन को कॉल किया अब सपोज मेरे पास एक डिक्शनरी है दिस इज़ द डिक्शनरी आई हैव डी एफ अंडर स्कोर डेटा एंटर करता हूँ एंड डी एफ अंडर स्कोर डेटा को प्रिंट करता हूँ पहले इस डिक्शनरी को कन्वर्ट करता हूँ इन टू पांडास डेटा फ्रेम सो पी डी डॉट डेटा फ्रेम एंड पास कर देता हूँ डी एफ अंडर स्कोर डेटा शिफ्ट एंटर मुझे मिल गया डेटा फ्रेम इसे असाइन करता हूँ टू द वेरिएबल माई अंडर स्कोर डेटा अभी के लिए एंड देन माई अंडर स्कोर डेटा को मैं प्रिंट करता हूँ दिस इज एक्चुअली डेटा फ्रेम अब मुझे कॉलम वन से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है वट आई डू माई अंडर स्कोर डेटा एंड देन कॉलम वन डॉट नोटेशन एंड देन मैक्स फंक्शन को कॉल करता हूँ शिफ्ट एंटर आई गॉट मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द कॉलम वन अब कंसिडर मुझे रो वाइज ऑपरेशन करना है मीन्स पहले रो के लिए ट्वेंटी फोर दूसरे रो के लिए सिक्सटीन मैक्सिमम टू हंड्रेड वन एंड देन ट्वेंटी फोर सो सिंपली आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं डेटा फ्रेम डॉट मैक्स को कॉल करता हूँ हमें हॉरिजॉन्टली ऑपरेशन करना है अल से एक्स इज इक्वल वन एंड शिफ्ट इंटर सो ज़ीरो इंडेक्स पे ट्वेंटी फोर मैक्सिमम है देन यहाँ पे सिक्सटीन देन टू हंड्रेड वन एंड देन ट्वेंटी फोर आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे एक्सिस का यूज़ किया जाता है पांडाज में एंड कैसे मीन एंड मैक्स फंक्शंस का यूज़ किया जाता है टू फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज इन डेटा फ्रेम थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो